नमस्कार, सभी का स्वागत है। मैं हूं जगजीत, आप देख रहे हैं भारत का समाचार। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ रोकथाम हेतु दरभंगा नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर 37 में कई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। दरभंगा नगर निगम के कर्मियों द्वारा घर से लेकर मकानों, दुकानों, स्कूल अन्य कई जगहों को सैनिटाइजेशन किया गया है। इस सैनिटाइजेशन का कार्य नाका नंबर 6 से लेकर इस्माइलगंज, ईदगाह रोड, लाइट सिनेमा की ओर, नून फोरबा मोहल्ला, जिला स्कूल की तरफ से लेकर जिसमें जूनियर एकेडमी रोड सहित कई अन्य गली मोहल्ले में भी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन कर रहे निगम कर्मियों से जो बातें हुई है वो आगे हम आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें कि अभी तक दरभंगा में कुल मरीजों की संख्या 781 ठीक हो गए, 781 हुए। और आपको बता दें ठीक हुई मरीजों की संख्या 519, 253 मरीजों का इलाज जारी है। लगभग आपको बता दें कि अभी तक कुल मरीजों से के मरने वाले की जो संख्या है वो 10 हो चुकी है। देखिए आगे विशेष कवरेज, देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस पर लोगों ने क्या कहा है, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या कहा है, सैनिटाइजेशन करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें कितना खतरा है उन्हें, वो भी हम आपको जानेंगे उनसे। देखिए पूरा कवरेज, ये कवरेज दरभंगा जिला के विशेष कवरेज में है। कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं सर? पूरे मोहल्ला करते हैं सर, पूरा मोहल्ला सैनिटाइज करता है कि कोरोना भागे, कोरोना मतलब न रहे, इसीलिए। तो कब से ये काम चल रहा है सर? जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ में ये जो सैनिटाइज किया जा रहा है, किन किन जगहों पे किया जा रहा है, कैसे घरों मकानों में किया जा रहा है सर? घर से मतलब बाहर भी करते हैं, अंदर भी बुलाते हैं, अंदर भी मारते हैं, और गाड़ी घोड़ा भी करते हैं, साइकिल गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल हो, चार चक्का हो, सब चीज़ पर सब जगह मारते हैं। अभी जो किए हैं सर, नाका नंबर 6 जो है वहाँ पर जो यातायात थाना है उसमें किए हैं, बड़ा बाबू बोले हुए थे, उसके बाद जो बड़ा बाबू का कोरोना हो गया है वो थाना को। हाँ, अभी जो ईदगाह से करते हुए सर वो पेट्रोल पंप वाला गली करेंगे, ईदगाह करेंगे, नून थरवा करेंगे। हाँ, लाइसेंस या सर नून थरवा उसको कहा जाता है। अच्छा, ये सारा एरिया आप करना है और जी सर, तो कौन कौन सा दिन और इसके लिए क्या समय है जो सैनिटाइज आप लोग करते हैं? दिन में हम लोग सर कचरा के काम करते हैं, झाड़ू कचरा के। अच्छा, सुबह में। अच्छा, 2 बजे के बाद कचरे सैनिटाइज का काम करते हैं। किस ओर से ये सैनिटाइज किया जा रहा है सर? नगर निगम की तरफ से, नगर निगम का स्टाफ है हम लोग, है नगर निगम कर्मी। क्या नाम हुआ आपका? अशोक राम। Thank you.
बहुत बड़ा काम कर दिए, वाह। हम लोग को मार दीजिए। अच्छा, किस तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है? पूरे मोहल्ला हुए, छाना गाते होते हुए, थाना उना सब, दुकान दौड़ी सब मारते हुए, घर वो सब मारते हुए, रिक्शा मोटरसाइकिल सब में मारते हुए, इधर लाइटों से लिया तक जाना है। अभी तक कितना जगह पर आपने सैनिटाइज किया है यहाँ? आधा से बेसी कर। जैसे कौन कौन सा जगह पर अभी किया? अभी हम किए हैं छाना का, नाका नंबर 6, राजपूत कॉलोनी, मैन रोड, जिला स्कूल, और ये कौन जगह? ईदगाह, उसके बाद पेट्रोल पम्प, लाइट हाउस, धरवा। इसके बाद फिर और कहाँ आगे जाएंगे? आगे जाना है सर, लाइट हाउस के पास जाना है, लाइट हाउस जाना है, उसके बाद फिर दूसरा दिन। ये अभी आपको कौन कौन सा वार्ड में सैनिटाइज जो कर रहे हैं, कौन वार्ड में कर रहे हैं? वार्ड नंबर 37 में सर। केवल 37 में अभी आप कर रहे हैं? और आगे अब कहाँ कहाँ जाना है? आगे हमको जाना है यहाँ से लेके सनी टोला तक, गायत्री मंदिर तक। किस ओर से ये सैनिटाइज कराया जा रहा है? ये नगर निगम के तरफ से है। नगर निगम के कर्मी है? क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। तो ये जो सैनिटाइज का काम है, कब कब ये सैनिटाइज किया जाता है? सब दिन होता है सैनिटाइज। सब दिन होता है जी? नया नया जगह पे या हर जगह पे? हर जगह पे, नया हो या पुराना हो, सब गली कुची मोहल्ला सब जगह। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन राम। कितने कर्मी और आपके साथ जो है सैनिटाइज का? फिलहाल अभी तीन कर्मी हैं, अशोक राम और दिलीप मल्लिक।